हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू। आज मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का दूसरा दिन लाया हूँ और ये टू डेज में आज मैं दूसरे दिन में जो सिखाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि शॉर्ट सेंटेंसेज, आज मैं शॉर्ट सेंटेंसेज तो लाया हूँ लेकिन आज मैं उस शब्द को लाया हूँ कि जिससे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं और इस वर्ड्स को जब आपको याद कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस साथ ही साथ इस इंग्लिश से स्ट्रांग होने के बावजूद आपकी नेगेटिव इम्परेटिव, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस तो बहुत होते हैं लेकिन आज मैं आपको प्योर नेगेटिव इम्परेटिव बताने वाला हूँ। इस नेगेटिव इम्परेटिव में आपको जो मैं बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो डियर गाइज, तो सबसे पहले मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुरंत आप लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको पर डे लेटेस्ट बाय लेटेस्ट मैं आपको देता रहूँगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश सिखाकर ही दम लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इस वीडियो से आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, जो सबसे पहले जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी जो मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशंस जो आपको बिल्कुल चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको जो भी डे बाय डे मैं आपको जो भी मैं वीडियो दूंगा वो आपका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे फेस पे रहेगा और आप उसे क्लिक करके आप मेरी स्पीकिंग कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो डियर गाइज, डोंट बी लेट नाउ, आई एम लेट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या आप सीखने वाले हैं, कैसे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होने वाली है। तो आज मैं आपको सिर्फ ऐसे वर्ड्स एक सिखाऊंगा, सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर के जरिए आप आस हो, पास हो, पड़ोस हो, फ्रेंड सर्किल हो या एनी वेयर हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम क्रैक कर रहे हो, तो आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप एक अच्छे बेहतरीन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ही स्वीट होनी चाहती है, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस नेगेटिव इम्परेटिव में जो आपके लिए बहुत सारे से वर्ड्स दूंगा, मैं 20 दूंगा आप 200 सोचिए, और कोई भी ऐसा वर्ड मीनिंग नहीं आएगा तो आप हमें फुल्ली कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका तुरंत जवाब दे दूंगा। तो डियर गाइज, आज मैं इस नेगेटिव इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, आपको नेगेटिव इम्परेटिव का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मैं एक चीज को क्लियर करना, वो एक चीज क्या है, डोंट। इस डोंट की हिंदी बात की जाए तो इस डोंट की हिंदी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसकी हिंदी होती है ना और मत, ना और मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग बिफोर यू, केयर माय वर्ड्स। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस डोंट की हिंदी होती है ना और मत, इससे सैकड़ों क्या हजारों सेंटेंस आप सोचिए और आपकी इंग्लिश बेहतरीन इंप्रूव होनी है। और इंप्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर को कैचअप करना है, वो स्ट्रक्चर क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो स्ट्रक्चर है डोंट प्लस V1 यानी वर्ब के पहले फॉर्म देंगे और प्लस जो अदर वर्ड बचेंगे आपको उसको रख देना है, बस इन तीन चीजों का ख्याल रखना, डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इन तीनों को कैचअप कीजिए, आप अपने माइंड में सेटल कर लीजिए, इससे आप बहुत सारे सैकड़ों इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड है, तो डोंट और डोंट का मैंने हिंदी बता दिया कि ना और मत, ना और मत से मैं बहुत सारे वर्ड दूंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा 10, 20, 15 जो भी हो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप सैकड़ों सोचिए और कोई भी ऐसी वर्ड मीनिंग नहीं आते आप हमें सेंड कीजिए, मैं आपको रिटर्न आंसर दूंगा, कमेंट कीजिए मैं आपको रिटर्न आंसर दूंगा। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं कि चिंता मत करो, ओके, चिंता मत करो, चिंता मत करो किसी को भी आप बोलते हैं तो ये कैसे बनेंगे, निगेटिव इम्परेटिव, ओनली फॉर निगेटिव इम्परेटिव, क्योंकि इसमें मत दिख रहा है, ठीक है ना, मत और ना यानी डोंट, यानी चिंता मत करो तो क्या बोलेंगे, डोंट वरी, क्या बोलना, डोंट वरी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि काम से जी मत चुराओ, काम से जी मत चुराओ की क्या होता है, डोंट श्रिक वर्क, डोंट श्रिक वर्क, यानी आपको सिंपल वे में बोलना है। और देखते हैं कि दूसरे की बुराई मत करो, यानी दूसरे के बारे में बुरा ना सोचें या दूसरे की बुराई मत करें, तो दूसरे की बुराई मत करें इसका क्या बोलना है, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर। और लेते हैं कि नंगे पैर बाहर मत जाओ, नंगे पैर बाहर मत जाओ इसको क्या बोलना है इंग्लिश में, कि डोंट गो आउट बेयर फुटेड, डोंट गो आउट बेयर फुटेड, नंगे पैर बाहर मत जाओ। और देखते हैं कि अपना समय नष्ट मत करो, मत करो, क्या मैं बोल रहा हूँ कि अपना समय नष्ट मत करो, सेंटेंस में मत आ रहा है, ओके, तो क्या बोलना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, कितना अच्छा लग रहा है ना आपको बोलने की, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगला देखते हैं कि बेकार मत बैठो, देखो यार बेकार मत बैठो तो आप कैसे बोलते हो, उसकी इंग्लिश में आपको बोला तो क्या बोला है,
डोंट सिट एट ऑल, डोंट सिट एट ऑल। कितना मजा आ रहा है ना। आइए मैं और सोचता हूँ, आप कहीं पार्क में जाते हैं तो क्या लिखा रहता है कि फूल मत तोड़े या फूल ना तोड़े। सिंपल वर्ड्स यार, यही वर्ड से आपको यही स्ट्रक्चर से बनेगा, यानी डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर, फूल मत तोड़े। लिखा रहता है कि कहीं भी जाते हैं आप हिस्टोरिकल पैलेस पे या एनी जगह, तो क्या लिखते हैं कि यहाँ वहाँ ना थूके, यहाँ वहाँ ना थूके कि आपको क्या बोलेंगे कि डोंट स्पीक हेयर एंड देयर, डोंट स्पीक हेयर एंड देयर। उसके बाद है कि दूसरे के काम में दखल मत डालो, दूसरे के काम में दखल मत डालो, तो क्या बोलना है, डोंट डिस्टर्ब अदर, क्या बोलना है, डोंट डिस्टर्ब अदर। और एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरे की हंसी मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ, ओके, तो क्या बोलना है कि दूसरे की हंसी मत उड़ाओ, तो डोंट लाफ एट अदर, डोंट लाफ एट अदर। कितना सीखने में मजा आ रहा है ना, स्वीट इंग्लिश। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे मत छेड़ो, उसे मत छेड़ो को क्या बोलेंगे, डोंट टीच हिम, डोंट टीच हिम, ओके। बहाने मत बनाइए, देखिए बहाने मत बनाइए, बहाने मत बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड, प्रिटेंड भी सोचा बहाने मारना, ओके, तो आप क्या बोलते हैं, डोंट प्रिटेंड, बहस मत करो, किसी को बोलते यार देखो मुझसे बहस मत करो, तो क्या बोलना उसको, डोंट आर्गू, क्या बोलना, डोंट आर्गू। देखिए बकबक मत कीजिए, तो बकबक मत कीजिए को आप इंग्लिश में क्या बोलना है, सिंपल है कि डोंट चैटर, डोंट चैटर, बकबक मत कीजिए। कितना आसान है ना, आपको याद भी हो जाएगा, ओके। उसके बाद है कि मेरी और मत घूरो या मुझे मत घूरो, तो आप क्या बोलना है, डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, मेरी और मत घूरो। उसके बाद है मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, आप क्या बोलते हैं, डोंट टच मी। आई थिंक फिल्मों में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, डोंट टच मी। उसके बाद है मुझे मत तरसाओ, मुझे मत तरसाओ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डोंट इंटाइस मी, डोंट इंटाइस मी। उसके बाद है कि उसकी खुशामद मत करो, सब मत और ना है, ठीक है ना, मैं 10-20 सोच रहा हूँ, आप सैकड़ों सोचिए, ओके। उसकी खुशामद मत करो, क्या बोलना है, डोंट फ्लैटर हिम, डोंट फ्लैटर हिम। यानी और एग्जांपल लेते हैं, मैं बहुत लेता हूँ कि यार बेवकूफी मत करो, बेवकूफी मत करो को क्या बोलेंगे, डोंट बी सिली, या पागल मत बोलो, मैटर सेम है कि डोंट बी सिली। उसके बाद है गरीबों को मत सताओ, कितना इंपॉर्टेंट बात है ना, गरीबों को मत सताइए, तो आपको क्या बोलना है, डोंट ऑप्रेस द पुअर। ऐसे सैकड़ों हैं, तो है ना ये डोंट के कमाल वर्ड्स, डोंट एक ऐसा इंपरेटिव वर्ड्स है ना जिससे आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, और इसका प्रयोग आप स्पीकिंग कोर्स में ये सबसे मेन मादा रखता है। तो इसका एक्चुअली क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि इसके वर्ड्स को आप रटने से, आप इस स्ट्रक्चर को रटने से आपकी इंग्लिश कितनी आसान हो गई ना। तो इस डोंट का जो मैजिक वर्ड था, आपने बहुत सारे सेंटेंसों को मिनटों में डील कर दिया, तो आपको इस वर्ड्स को कैचअप करना है, और डे बाय डे मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। फर्स्ट डे में अगर अब तक आपने नहीं देखा तो पुराने वाले लिंक में फर्स्ट डे की वीडियो देख लीजिए, और साथ में सेकंड डे, क्योंकि कोर्स वाइज कोर्स पूरा होगा तब ना आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाइएगा। तो आप कहिएगा यस आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रंटली। तो डियर गाइस, मेरी वीडियो कैसे लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना आपका एक फ्री है गाइस, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और यदि आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज शेयर जरूर करें, और लोगों को बांटें, खुद पढ़े और लोगों को बताएं। साथ में साथ गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं डे बाय डे इंग्लिश लाऊंगा और आपकी इंग्लिश बेहतरीन मैं कराऊंगा, तो आपकी इंग्लिश सुपर से भी ऊपर हो, तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए और मैं आपको इंग्लिश परफेक्ट बना दूंगा। और आप कहिएगा कि यस इंग्लिश क्लासेस बाय कुमार विशाल इज द मस्ट बी स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रंटली, यानी यू कैन स्पीक वेरी फ्रंटली ऑन योर लाइफ, तो डोंट वरी मैं आपको हमेशा साथ रहूंगा। तो डियर गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मतलब पोजीशन के साथ, और आपकी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के साथ जो आपके लिए इंग्लिश हेल्पफुल होगी, आसान होगी, और बोलने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय टू ऑल, बाय बाय।